नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीलॉग है वो है यमुना का विश्राम घाट जो कि मथुरा में है। जी हाँ गाइस, ये है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ विश्राम घाट और काफ़ी फेमस घाट है मथुरा के अंदर। तो आज का वीलॉग इसी के ऊपर होने वाला है एंड चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इंजॉय करो इस विश्राम घाट का वीलॉग। वैसे तो काफ़ी सारा फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं, पूजा होती रहती है, यहाँ पे आपको बोटिंग करने को मिल जाएगी एंड आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है एंड साथ में यमुना का किनारा, तो ठंडी ठंडी हवा आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आप वीडियो को इंजॉय करो, पूरा वीलॉग देखो एंड फिर हम आपसे बात करते हैं वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम राम दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ मनी भाई और ये हैं आपके साथ हनी भाई, आपका भाइयों का भाई हनी भाई। तो इस वृंदावन की यात्रा में हम आ जाए हैं नई जगह पे जो कि तुम्हारा विश्राम घाट है, ठीक है। यहाँ पे गंगा आरती कर रहा हूँ, यमुना जी आरती। हाँ, विश्राम घाट है यमुना जी के पास, तो यमुना जी आरती होती है। हाँ, तो देखो बेसिकली क्या है कि जैसे हम यहाँ लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बड़ा अच्छा नेचुरल टच मिल रहा है हमें तो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो वोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लोग देखते हैं तो वोटिंग का जो फेयर रहेगा ना, लगभग आपका 100 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली रहेगा पर पर्सन का, पर हेड के हिसाब से यहाँ पे चार्ज करते हैं। लेकिन पहले जब मैंने सुना था कि हाँ यमुना जी का सफाई अभियान चल रहा है, तब का पता नहीं, बट अब तो हमें साफ नहीं नज़र नहीं आ रही है, क्यों मनी हनी भाई? वो तो बात है। और बेसिकली ये है विश्राम घाट जो कि मथुरा में है एंड बंदों से बच्चे के हमने वीडियो बनानी पड़ रही है क्यों देख देख के कि कोई फ़ोन ना ले जाए। हाँ, मतलब थोड़ा यहाँ पे आना तो थोड़ा केयरफुल रहो कि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका फ़ोन ले जा सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं, आपका चश्मा वगैरह ज़्यादातर संभाल कर रखना क्योंकि चश्मा से बहुत ज़्यादा करते हैं वो, ठीक है। अगर वो चश्मा ले जाए, अगर आपका सस्ता चश्मा है तो कोई बात नहीं, अगर महंगा है तो भाई उसके लिए कुछ खरीद के उसको पकड़ा दो ताकि आपका चश्मा वापस कर दे, क्योंकि गिवन टेक वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है। कुछ दो कुछ पाओगे अपना। तो आप पूरा टूर करो विश्राम घाट का, फिर हम आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। बात करें इस घाट के बारे में, तो इस घाट का नाम विश्राम घाट किस बेसिस पे रखा गया? तो कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके विश्राम किया था, तब से इस घाट को विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। और हमने भी काफ़ी टाइम तक यहाँ पे बैठ के विश्राम ही किया है क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू था एंड जो प्रवासी पक्षी थे वो भी काफ़ी थे, जो कि सिर्फ आपको सर्दियों में इसी टाइम पे जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं जब देखने को मिलते हैं एंड काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी जिसका आनंद ही अलग था। और यहाँ पे आपको बोटिंग फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो अगर आप बोटिंग करना चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हो जो कि 50 रुपये से स्टार्ट होकर 100 रुपये 150 रुपये, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कन्वेंस कर सकते हो, ठीक है। बाकी काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, आरती भी आप कर सकते हो, यमुना जी की आरती भी ले सकते हो और बैठ के आप आराम से व्यू को एंजॉय कर सकते हो। પરિવાર નું પૂજન પૂરું થાય ત્યાં પછી આપણા ગ્રુપ માંથી પૂજન માટે ઉભા થઈશું, મહેરબાની કરીને કોઈ પણ આગળ આવતો નહીં।
गाइस ये था आपका पूरा विश्राम घाट का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली होगी। तो गाइस वीडियो पसंद आई होगी। ये था आपका विश्राम घाट यमुना घाट के पास का टूर। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बंदों से बस के वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।